नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान का एक अंश पाठ करेंगे। आप सभी जानते हैं कि गोदान हिंदी साहित्य का मूर्धन्य उपन्यास है। यह हिंदी उपन्यासों में एक कीर्तिमान है। विश्व के श्रेष्ठ उपन्यासों में इसकी गणना होती है। भारत तथा विश्व के हिंदी पाठकों के अलावा जो साहित्य प्रेमी हैं वह भी गोदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में गोदान को प्रकाशित कराया था और यह सरस्वती प्रेस से 1936 10 जून को प्रकाशित हुआ था। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद का यह जो उपन्यास है गोदान, वह भारतीय ग्रामीण जीवन की महागाथा है। भारतीय ग्रामीण संरचना को और कमोबेश जो 1936 में भारतीय ग्रामीण संरचना की स्थिति थी, कहीं ना कहीं वह आज भी इस रूप अपने बदले स्वरूप के साथ ही लेकिन आज भी मौजूद है। गोदान आज भी भारतीय ग्रामीण परिवेश की महागाथा की एक प्रमुख रचना है। और आज जब हम प्रेमचंद के गोदान पर बातचीत कर रहे हैं तो निश्चय ही यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अंश के साथ आज के भारतीय ग्रामीण संरचना को देखें तो हमें पता लगेगा कि प्रेमचंद जिस ग्रामीण व्यवस्था की, ग्रामीण चरित्र का उत्खनन गोदान में कर रहे थे, वह आज भी कमोबेश बना हुआ है। तो यह गोदान का आठवां हिस्सा है, आठवां अध्याय है, उसके कुछ आरंभिक हिस्से मैं पाठ के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे हाथ में यह जो किताब है गोदान की, यह गोदान की पांडुलिपि की संस्करण है जिसको कमल किशोर गोयनका ने संपादन किया है, यानी कि यह मूल पाठ है। मूल पाठ से एक हिस्सा आप सबके लिए। जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की स्त्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर ही हो जाता है जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छिज गया था, ऊंख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी की कुट्टी काटकर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थीं कि कब पानी बरसे और घाम निकले। आधा अषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुए। सहसा एक दिन बादल उठे और अषाढ़ का डांगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल ले लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में हल न ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। और कभी तो इतनी कड़ाई न होती थी, अब की यह कैसा हुक्म। कोई गांव छोड़कर भागा थोड़ो ही जाता है, अगर खेतों में हल न चलते तो रुपए कहाँ से आ जाएंगे। निकलेंगे तो खेत से ही। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित नोखेराम। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टालें। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज असामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को जो एक बार हुक्म दे दिया उसे क्यों टालने लगे। वह अगुआ बनकर क्यों बुरा बने। जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो वही आग में कूदे तो सबके सिर पड़ेगी, वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। इसी साल में उसने अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दाता दीन और दुलारी सहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झुमरी सिंह। वह शहर में बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इनके उपरांत और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो दो आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिनके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते थे वही महाजन बन बैठता। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वह धन कहाँ गया। बंटवारे में निकला नहीं, होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं, गया तो कहाँ गया। जूते फट जाने पर भी उनके घट्ठे बने रहते हैं।
किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को, किसी ने आना रुपए ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने दो आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुँह लेकर जाए, झिंगुरी सिंह के सिवा उसे कोई और न सूझा। वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस पर एक साल का ब्याज पेशकी काट कर रुपये देते थे। 25 रुपये का कागज लिखो तो मुश्किल से 17 रुपये हाथ लगते थे, मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए। राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं तो इस समय किसी के सामने हाथ क्यों फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातून कर रहे थे। नाटे, मोटे, खलवाट, काले, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे। और थे भी बड़े हसोड़, इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से या साले या ससुर और औरतों से साली या सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पाल आ गई, और झिंगुरू सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आवे, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना घाते थे, मगर लेने देने में बड़े कठोर थे। सूद की एक पाई न छोड़ते और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्किरा कर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला। पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनों से अपना गला न छुड़ा लेता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपए न निकलें, चाहे सूद कितना ही देना पड़े, तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं, लड़का जवान हो गया, ब्याह का ठिकाना नहीं, बड़ी लड़की भी ब्याहने जोग हो गई, रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़ के रखते। झिंगुरी सिंह ने जब उसके द्वार पर गाय देखी थी, उस पर दांत लगाए हुए थे, गाय का डील डॉल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 शेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था, होरी को किसी अरदब में डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए, आज वह अवसर आ गया। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए, जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गाठे हों तो गिरो रख कर रुपए ले लो, स्टाम्प लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम पर कच्चा सूत भी नहीं है, धनिया के हाथों में कड़े हैं वह भी गिलट के। झिंगुरू सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोत कर कहा, तो एक बात करो, यह नई गाय जो लाए हो इसे हमारे हाथ बेच दो, सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओ, 4 आदमी जो दाम कहें वह हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांति मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उनके मन में यह बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जाए गाय ले लेना, 30 रुपए का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे और 3-4 साल तक न दिए तो 100 पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। इस अंश को पढ़ने के बाद आप सभी, जैसा कि इस अंश को सुन रहे थे, समझ रहे थे, इससे गांव की उस स्थिति को जो 1936 में थी उसे तो समझ ही सकते हैं, लेकिन इसके समानांतर आज भी गांव की इस स्थिति को समझा जा सकता है। आज भी गांव की जो अधिकांश फसलें हैं वह वर्षा पर आधारित हैं। भले ही आज के समय में सूदखोरी खेती के लिए नहीं बचा है, बैंक बहुत तरह के लोन दे देते हैं, लेकिन इसका रूप बदला है। किसानों की अधिकांश जो आत्महत्याएं हुई हैं वह इस कर्ज, बैंक से लिए हुए कर्ज को चुकाने से संबंधित हैं। तो किसानों की दुर्दशा आज भी है। गाय उनके लिए उनके घर के मर्यादा का सवाल है, उनके एक तरीके से जरूरत का अंग है जो किसानी की व्यवस्था के साथ अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है, लेकिन किस रूप में किसानों के इर्द गिर्द
इस तरह की शोषक प्रजातियां मौजूद हैं, इसका उत्खनन यह उपन्यास करती है। जब आप गोदान को पढ़ रहे होते हैं तो इसको पढ़ते हुए आप यह देखेंगे कि प्रेमचंद गोदान रचते हुए एक किस्म की जल्दबाजी में भी हैं, जबकि मुझे अक्सर बतौर पाठक, ये बतौर मैं शिक्षक नहीं कह रहा हूँ, बतौर पाठक प्रेमचंद का जो उपन्यास रंगभूमि है वह ज़्यादा सबल, ज़्यादा व्यवस्थित लगता है, जबकि गोदान में कई जगह ऐसा लगता है, यह हमारी अपेक्षा हो सकती है एक लेखक के प्रति, कि गोदान में प्रेमचंद कई जगह बहुत जल्दी की उड़ान ले रहे हैं, वो जल्दी से इस उपन्यास को ख़त्म करना चाहते हैं। वो अपनी भूमिका में भी लिखते हैं कि जैसे तैसे इसे पूरा कर रहा हूँ, या इसे कुछ अध्याय रह गया है जिसे पूरा करने की हमारी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन एक समय के बाद लगता है कि जैसे प्रेमचंद गोदान को किसी तरीके से पूरा कर देना चाहते हैं। संभव है कि उनको उनके बीमारी का एहसास हो गया हो, इस वजह से भी हो, अथवा ये बातें न भी हो तो भी गोदान एक मुकम्मल उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण जीवन एवं किसान जीवन के मुकम्मल कथा को अपने भीतर समेटती है। गोदान को पढ़ते हुए यह एहसास होता है कि भारतीय किसान किन स्थितियों में खेती करते हैं और उनकी स्थितियाँ आज भी बदस्तूर ऐसी जारी है। आज जब हम सुरेंद्र एस जुड़का जैसे ग्रामीण समाजशास्त्री के आलेखों को पढ़ते हैं, या जब हम पी साईनाथ की किताब तीसरी फसल पढ़ते हैं, या तमाम ऐसी किताबें जो किसान जीवन पर लिखी गई हैं या उनके पक्षों को उजागर करती हैं, ऐसे बहुत सारे शोध हैं गांव से संबंधित, जब उसे देखते हैं तो प्रेमचंद का उपन्यास एक ऐसा प्रतिमान बनकर हमारे सामने खड़ा होता है कि हम उस जीवन को आज के जीवन के साथ मिला करके देखते हैं तो कोई द्वैत नहीं उपजता, कोई स्थिति परिवर्तन नहीं दिखती। इस वजह से यह उपन्यास आज भी प्रासंगिक है, और अगर यह स्थिति न भी हो तो गोदान अपने संरचना में, अपने शिल्प में, अपने भाषिक वैभव में एक प्रतिमान बन करके, एक ज्वाजल्यमान स्तंभ बन करके हमारे सामने खड़ा है। आप सबने सुना, आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।